फाइनली दोस्तों आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर विद्युत जामवाल की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी क्रैंक की। जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 20 अक्टूबर को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है विद्युत जामवाल की अपकमिंग मूवी क्रैक की, जिसका पूरा नाम है क्रैक जीतेगा तो जिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रैक जीतेगा तो जिएगा एक स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसके लिए सस्पेंस भी पूरा बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर विद्युत जामवाल, जिनके साथ आपको देखने को मिलेंगी बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस, और वहीं इनके साथ ही इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अर्जुन रामपाल, जिनकी एक्टिंग वास्तव में लाजवाब होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो इस मूवी की कास्टिंग काफी बढ़िया है, लेकिन जो सोने पे सुहागा वाली बात है वो ये है दोस्तों कि इस मूवी को अपना बेहतरीन डायरेक्शन देंगे कमांडो 3 मूवी के डायरेक्टर आदित्य दत्त। और वहीं इस मूवी से जो बड़ा अपडेट आया वो ये है कि इस मूवी की शूटिंग जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है पोलैंड में, जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा, और वहीं इस मूवी को प्रोड्यूस किया जा रहा है विद्युत जामवाल, सांगवी और एन एक्शन हीरो फिल्म्स की टीम के द्वारा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि कब होगी ये मूवी रिलीज और कब तक देखने को मिलेगा आपको इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर या फिर कहें टीजर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मूवी रिलीज होगी अगले साल यानी कि 2023 में, जो कि आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी लगभग समर सीजन में। और वहीं अगर हम बात करें इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर या फिर टीजर की, तो दोस्तों उसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है कि इस मूवी का ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर दोनों ही चीजें 2023 में यानी कि अगले साल देखने को मिलेंगी। और दोस्तों अगर इस मूवी के मेकर्स कोई और इस मूवी से अनाउंसमेंट करते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।